हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास एट का लिटरेचर इंग्लिश में लेसन सेकंड पढ़ाने जा रहा हूँ। फर्स्ट लेसन पोएम थी, मैंने आपको पढ़ा दिया, पूरी एक्सरसाइज भी करवाई, और इसके बाद अब ये लेसन सेकंड ट्रू विजडम, सच्ची बुद्धिमत्ता, सच्ची बुद्धि। अब ये लेसन स्टार्ट करता हूँ। लॉन्ग एगो देयर वाज एन ओल्ड मर्चेंट, बहुत पहले की बात है, एक बूढ़ा व्यापारी था, हु लिव्ड इन अ विलेज, जो एक गांव में रहता था। ही वर्कड हार्ड सो मच ऑल हिज लाइफ, उसने पूरे जीवन अपना कठिन परिश्रम किया था। ही वाज ए बिजनेसमैन, वह एक व्यापारी था। ही अर्नड ए लॉट ऑफ मनी, उसने बहुत सा धन कमाया। ही बिकेम वेरी रिच एज द ईयर पास्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए, वह और धनी होता गया। नाउ He felt that he grew old. अब उसने यह अनुभव किया कि वह बहुत बूढ़ा हो गया है। And he had not long to remain in this world. अब इस संसार में उसे ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहना है। He was worried. अब वह चिंतित हो गया। What he should do with his money? अपने पैसे का वह क्या करे, जो उसने धन कमाया था अब उसका क्या करे। इस बात की उसको चिंता होने लगी कि अब इस पैसे का क्या करना चाहिए। ही हैड टू सन्स, उसके दो बेटे थे। ही थॉट एन आइडिया, उसको एक विचार आया, दैट ही विल नॉट डिवाइड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन देम, कि वह अपनी इस संपत्ति को दोनों में बांटेगा नहीं। बट ही वुड गिव हिज ऑल प्रॉपर्टी टू द वन, लेकिन यानी वह उसने विचार आया उसको कि वह अपने धन को दोनों बेटों में बांटेगा नहीं, बल्कि वह एक को ही पूरी प्रॉपर्टी देगा। हु प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी द क्लेवरर ऑफ द टू, जो दोनों बेटों में अपने आप को ज़्यादा चालाक अर्थात बुद्धिमान साबित कर देगा। यानी उसने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए और सोचा कि जो दोनों में ज़्यादा श्रेष्ठ होगा उसी को वह पूरी संपत्ति दे देगा। सो ही डिसाइडेड टू गिव देम ए टेस्ट, इसलिए उसने उनका एक टेस्ट लेने का निश्चय किया। ही कॉल्ड हिज सन्स, उसने अपने बेटों को बुलाया एंड सेड, और कहा, टेक 1 रुपीज, 1 रुपये लो, एंड गो अलोन टू बाई समथिंग, और जाओ अकेले अलोन टू बाई खरीदने के लिए समथिंग, कोई ऐसी चीज विच फिल दिस होम, जो इस घर को भर दे। रिमेंबर, याद रहे, यू विल नॉट स्पेंड मोर देन 1 रुपी, आपको 1 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करना है। बोथ ऑफ सन्स वेयर एस्टोनिस्ट, दोनों ही सनों बेटों को बड़ा आश्चर्य हुआ। एंड लुकड एट हिज फादर एज ही गॉट मैड, और अपने पिता की तरफ देखा कि जैसे वह पागल हो गया हो। उन्होंने सोचा 1 रुपये में ऐसी चीज़ कौन सी ले आए जिससे घर पूरा भर जाए। बुद्धि पर संदेह हो गया। दे वेयर बाउंड टू डू द सेम एज देयर फादर सेड, लेकिन क्या करें, जैसा उनके पिता ने कहा था वैसा करने के लिए वो बाध्य थे। बट दे कुड नॉट अंडरस्टैंड वाट शुड दे डू नाउ, लेकिन अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। दे हैव टू कम बैक इन 2 डेज विथ द गुड रिजल्ट, और उनको अपना जो भी परिणाम यानी जो भी खरीदारी करनी थी 2 दिन के अंदर आना था, उनको 2 दिन के अंदर वापस आना है। यानी जाओ खरीदो जो कुछ मिले, सोचो समझो, लेकिन 2 दिन में वापस आ जाओ।
सो बोथ ऑफ हिज सन्स टुक अप अ रुपी, दोनों ही बेटों ने अपना एक रुपये लिया एंड वेंट आउट और चले गए। द फर्स्ट सन वांडर्ड थ्रू द मार्केट, पहला बेटा पूरे बाजार में घूमा। बट ही फेल्ड टू फुलफिल हिज पर्पस, लेकिन अपना उद्देश्य पूरा करने में असफल रहा। ही वांडर्ड द होल डे, वह पूरा दिन भटकता रहा। ही गेव अप हिज सर्च, उसने अपनी निराशा अपनी खोज छोड़ दी, अर्थात आशा छोड़ दी। सर्टनली ही सा ए बुलक, एक उसने गाड़ी देखी, बुलक बैलगाड़ी, उसने एक बैलगाड़ी देखी। यहाँ तक एक पेज मैंने पढ़ा दिया, इसको आप लोग पढ़िए और इसका हिंदी अर्थ भी आप लिख लीजिए जिससे आपको समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज पढ़ाऊँगा। थैंक यू।